अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कपल। अच्छा, ये टॉर्क की ही कंटिन्यूटी है। अगर आपने टॉर्क अच्छे तरीके से समझा तो आपको कपल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज सॉरी कपल इज डिफाइंड एज टू पैरेलल फोर्सेस which are equal in magnitude, which are equal in magnitude, okay, जो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक आप देखें, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टेरिंग। हमारे पास क्या है इसकी एग्जाम्पल? स्टेरिंग। स्टेरिंग की एग्जाम्पल से आप अच्छा समझ सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको थोड़ा डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं स्टेरिंग बनाता हूँ। ये मेरे पास सेंटर है और ये मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास बी पॉइंट है और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास ए पॉइंट है। अच्छा, ए पॉइंट पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और जो बी पॉइंट है इस पे फोर्स अपवर्ड लग रही है। इसका मैग्नीट्यूड एफ है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस एफ के बराबर है। ये मेरे पास कन्वेंशन है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ वाई नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये देखिए, ये सेंटर है और मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास आर ए है और यहाँ पे क्या है पोजीशन आर बी, और मुझे पता है कि कैपिटल आर मतलब जो आर है वो मेरे पास किसके बराबर है? आर बी माइनस आर ए के। ये जो आर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। tau is equal to r cross f, okay? तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक टॉर्क इस वजह से आएगा यहाँ आर बी की वजह से और एक आएगा आर ए की वजह से। अच्छा देखें, एक माइनस फोर्स है तो मेरे पास एक आएगा माइनस एफ क्रॉस आर ए। ओके, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या था? आर ए। और ये वेक्टर्स हैं तो आपने पर एरो हेड लाजमी डालना है, प्लस एफ क्रॉस आर बी। अच्छा, एफ मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अब टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा एफ क्रॉस आर के। अच्छा, ये मैंने कैसे किया? देखें, यहाँ पे फोर्स दोनों सेम थी तो मैंने फोर्स कॉमन ले ली और मेरे पीछे जो पीछे क्या बचता है? आर बी माइनस आर ए। तो टॉर्क जो है हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? एफ क्रॉस आर के। और आपको पता होना चाहिए कि जो आर डिस्टेंस है वो ये रेडियस नहीं है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है, जो पूरा इसका डायमीटर है। ओके, तो एक एग्जाम्पल करते हैं तो उसके बाद आपको कपल की अच्छी समझ आएगी। अच्छा स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में वो कहता है कि जो हमारे पास एक स्टेरिंग है, मैं ये स्टेरिंग बना रहा हूँ और स्टेरिंग का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर। ओके, और जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है एंड पे वो कितना कर रही है? 10 न्यूटन। ओके, तो हमारे पास कपल क्या होगा? तो आप देखें, जो हमारे पास R है वो यहाँ पे R क्या होगा? R is equal to 2 into 10, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो R है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? पूरे डायमीटर। तो हमारे पास जो R है वो कितना होगा? 10 multiply 2। तो R कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 meter। ओके, और जो हमारे पास फोर्स है वो कितनी है? 10। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? जो कपल का फॉर्मूला है आर एफ। ओके, तो हमारे पास जो आर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20
और जो हमारे पास f है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। अच्छा अब देखें r की वैल्यू कितनी थी 20 और हमारे पास जो f की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास 10। तो हमारे पास ये कितना आ गया, हमारे पास ये आ रहा है 200 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बल मोमेंट आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।